बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में राजयोग। ऐसे तो हथेली में कई प्रकार के राजयोग होते हैं, हम कुछ प्रमुख राजयोग के चिन्ह की बात करेंगे। साथ में लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमारे हथेली में बहुत ही अच्छी अच्छी रेखाएं हैं, लंबी भाग्य रेखा है, अच्छी लाइफ लाइन है, परंतु हमारे जीवन में कुछ उन्नति नहीं हो पा रही है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ है? जब रेखा आपके पास है, सब कुछ उपस्थित है, तो आपके जो है फल जो प्राप्त होना चाहिए वो फलीभूत क्यों नहीं होता, हम इस पर भी बात करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम छोटे से एक राजयोग के संबंध में। हमारे हथेली में इस तरफ में ये चंद्र पर्वत का क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र चंद्र का होता है। चंद्र पर कई बार देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं भी होती हैं, जिसमें से एक रेखा जो सबसे अधिक दिखती है इस प्रकार से निकलती हुई है। कभी कभी ये रेखा पतली होती है तो इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन किसी के हथेली में हमने देखा है कि गहरी बहुत मजबूत इस प्रकार की रेखाएँ होती है। ये रेखा एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, ये रेखा बहुत कम लोगों के हथेली में आपको देखने की मिलेगी, ये है। इसे ही चंद्र रेखा प्रमुख रूप से कहा गया है। ये चंद्र से निकलती है और कुछ धनुष के आकार में या कर्व के आकार में होते हुए ये चली जाती है आपके बुध पर्वत पर। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये अपने आप में अकेला एक रेखा है जिसे राजयोग आपके जीवन में ला सकता है। किस प्रकार के राजयोग? ये जो आपको रेखा दिख रहे हैं, ये आपको 1%, 1% कहने का अर्थ हो जाता है 100 में 1 नहीं, ऐसा जो जाता होता है, ये आपको लाखों में एक व्यक्ति के हथेली में ही इस प्रकार की रेखाएं दिखेगी। यदि ऐसी रेखा किसी की हथेली में है तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ये किसी राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष हो सकते हैं, बड़े सेनानायक हो सकते हैं, एक बड़े शासक हो सकते हैं, एक बड़े मंत्री हो सकते हैं। यही समझ लीजिए ये जो चिन्ह है कोई साधारण चिन्ह नहीं है, बहुत कम, मैंने तो लाखों बोल दिया, ये लाखों में एक व्यक्ति के भी हथेली में ऐसा चिन्ह मिलना मुश्किल है। ये है चंद्र रेखा, शास्त्र में इसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए भाई, ये तो ये ऐसी रेखा है कि सभी के हथेली में नहीं मिलती, लेकिन मैं कुछ कॉमन रेखा की बात करता हूँ जो सबके हथेली में, बहुत लोगों के हथेली में मिलती है, वो है चंद्र की ये रेखा। ये बहुत लोग इसे यात्रा रेखा भी कहते हैं। देखिए ये रेखा जो है, ये रेखा आपके हथेली में यदि उपस्थित है, साथ में आपकी ये जो लाइफ लाइन है ये दो भागों में बंटती हुई है इस प्रकार से, ये दो चिन्ह आपके हथेली में, और तीसरा यदि बुध की भी चिन्ह है, ये अपने आप में एक राजयोग है। ये चिन्ह आपके हथेली में उपस्थित है, यह अपने आप में एक राजयोग है। यदि ये चिन्ह आपके हथेली में है तो आपको बिना विलंब किए कार्य में लग जाना चाहिए, आपकी जो उन्नति होगी। लोग कहते हैं ना कि फलीभूत नहीं होता, हमारे हथेली में अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी बुद्ध की व्यवसाय की रेखा है, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती। ये फल की प्राप्ति आपको अपने घर पर बैठकर या अपने निवास स्थान, अपने मूल स्थान पर रह के बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। साधारण से जीवन आप जिएंगे और दिन कट जाएगा। ये रेखा है तो आपको अपने घर से दूर जाके वर्क करना ही होगा, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, लाइफ में उन्नति चाहते हैं, तो आपको अपने घर से दूर रह के वर्क करना होगा। देखिए लाइफ लाइन में जब दो भाग में इस प्रकार से बट जाए तो एक ये इंडिकेशन होता है कि आपकी उन्नति या आपकी प्रगति, आपका वर्क क्षेत्र आपके घर से बाहर होगा। दूसरा इंडिकेशन आपको मिल जाता है एक मजबूत चंद्र रेखा। चंद्र जो है ये दूर के धन को दिखलाता है, या आप अपने घर पर भी रह के कार्य करते हैं तो धन आपके घर के आसपास से नहीं आने वाला, आपका वर्क कहीं दूर फैला रहेगा, उससे आपको धन आएगा। ये दो चीज़ें हैं। अब है कि ये मैंने इसलिए बताया कि ये बुध की रेखा, जिसे व्यापार की रेखा कहते हैं, ये ऐसी रेखा है, अर्थात आपका जो वर्क होगा, व्यापार होगा, बड़े स्तर पे होगा, बड़े स्तर के व्यवसाय के संबंध में होगा, ये घर से दूर रह के, तो ऐसी रेखा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी उन्नति के लिए आपको अपना मूल स्थान, जन्म स्थान छोड़कर दूर रहना होगा, तो ही उन्नति जीवन में होगी। ये है कि फलीभूत क्यों नहीं होता। अब आइए नेक्स्ट चिन्ह की हम बात कर लें कि मान लिया जाए ये चंद्र की ये रेखा आपके हथेली में है और लाइफ लाइन इस प्रकार से साधारण है और आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से है और ये जो चंद्र है ये आपकी जाके लाइफ लाइन को इस प्रकार से सपोर्ट कर दिया, ये देख लीजिए।
यदि ये स्थिति बनती है कि चंद्र से निकलने वाली रेखा आपके भाग्य रेखा को जाके मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में आपको घर से दूर रहने के बाद ही धन संपत्ति से परिपूर्णता आएगी, जीवन में बहुत अधिक उन्नति आएगी। यह एक राजयोग है। यदि ऐसे व्यक्ति अपने मूल स्थान पर अपने निवास अपने घर के आसपास रह जाते हैं, इनकी वैसी उन्नति नहीं हो पाएगी। राजयोग बल उन्नति होगी, वर्क करेंगे धन भी आएगा, लेकिन जो चीज़ इन्हें चाहिए थी कि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, वो चीज़ें घर के पास या अपने निवास स्थान पर रह के नहीं होगी। तो किसी देखिए हथेली में ज्योतिषी के पास जाने का एक ही अर्थ होता है कि आपको लाभ कहाँ से होना है, ये चीज़ वो बता सकते हैं कि लाभ कहाँ से होना है। कि आप यदि घर के पास रह गए तो आपको लाभ नहीं होगा, आप यदि घर से बाहर निकल गए तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये थी दूसरी चिन्ह। मैं आइए तीसरी चिन्ह की बात करता हूँ। तीसरे चिन्ह में क्या है कि हमारे हथेली में ये होती है, ये देखिए मैं तीसरे राजयोग की बात करता हूँ, ये गुरु पर्वत का क्षेत्र है। सबसे पहले मैं कुछ मूल चीज़ें देख लें। ये हमारे हथेली में है लाइफ लाइन, और ये है हमारी हेड लाइन, और ये है हमारी हृदय रेखा। ये तीन रेखा सभी हथेली में रहती है, बिल्कुल को माने ये सबके हथेली में रहती है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत उच्च का हो, ध्यान देनी है, ये पर्वत उन्नत अवस्था में हो, साथ में आपकी मस्तिष्क रेखा जो है दो भागों में बटती हुई इस प्रकार से आपको दिखती हो। मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बटना अति शुभ होता है, ये आपको जानना है। मस्तिष्क रेखा दो भागों में बटती हो, गुरु पर्वत उच्च अवस्था में होता हो, आपकी लिटिल फिंगर जो है थोड़ी लंबी हो, कितनी थी इससे जो है अधिक, ये जो है जब आप अपनी लिटिल फिंगर को सीधा करेंगे तो इससे अधिक लंबी हो, तो अपने आप में ये एक राजयोग होता है। ऐसे जातक बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं, बहुत अधिक समझदार होंगे, बौद्धिक क्षमता वाली राजयोग होती है। इनके अंदर जो राजयोग होती है बौद्धिक क्षमता, मतलब ये अपने मस्तिष्क से बहुत अधिक उर्वर रहते हैं, किसी भी कार्य करने में ये ऐसे जातक सक्षम होते हैं। किसी भी तरह की कार्य हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। ये इतना ये जानते हैं कि कोई यदि व्यक्ति एक काम को कर सकता है तो ये जातक कहेंगे ये काम मैं भी कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये फलीभूत कब होगा, यदि ऐसे जातक का संगत खराब है, अर्थात इनके मित्र जो हैं कुछ ऐसे वैसे टाइप के हैं जो फालतू में लगे रहते हैं और उलझे रहते हैं, ये भी उनके साथ उलझे रहते हैं, तो ऐसे जातक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि इनको अपने जीवन में फलीभूत इस चीज़ का कराना है, इस राजयोग का, तो इनको अपनी संगत अच्छी करनी होगी, एक राजयोग बनेगा। आइए मैं चौथे राजयोग की बात करता हूँ। वो चौथा राजयोग कहाँ है, अक्सर हम देखते हैं कि भाग्य रेखा हमारी इस प्रकार से होती है। ये हमारी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल मूल से निकले और ये शनि पर जाए, साथ में ये तीन भागों में बटी, जिसे लोग त्रिशूल के नाम से जानते हैं, तीन भागों में बटती हुई आपको नजर आ गई, अपने आप में ये एक राजयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे हथेली में तो है परंतु कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। देखिए आपके हथेली में यदि ऐसी चीज़ें हैं तो आपको कुछ ऐसे वर्क को करने होंगे, जैसे आप शनि से संबंधित कुछ वर्क करें, स्टील वर्क, लोहे से संबंधित वर्क, इंडस्ट्री से संबंधित, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो आपको विशेष लाभ होगा और आपके ये राजयोग फलीभूत होंगे, आपको अधिक लाभ होगा और फलीभूत होंगे। ये था हमारी हथेली में चौथे प्रकार का राजयोग। अब देखिए पांचवें प्रकार की मैं राजयोग की बात कर लूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। हमारी हथेली में ये है हमारी हेडलाइन, ये है हमारी लाइफ लाइन। सूर्य रेखा, सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है, ये सूर्य है। सूर्य पर्वत उच्च अवस्था में हो, अर्थात ये पर्वत यहाँ दबा नहीं हो, ये उभरा हुआ हो, पहला इसका कंडीशन है। दूसरा, सूर्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलती हो, ये आपकी हृदय रेखा है। मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा, सूर्य को राजा माना जाता है। हेड लाइन से जब आपकी सूर्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक की जो सफलता होती है, इनकी क्षमता जो होती है वो दो गुनी हो जाती है। इनकी जो
सूर्य के कारण जो इनको सफलता वाली क्षमता मिल रही है जब हेडलाइन से निकलती है तो दो गुना हो जाती है। ये मस्तिष्क का प्रयोग करके, मस्तिष्क की क्षमता का प्रयोग करके सीख कर सफल होने वाले व्यक्ति होते हैं, तो अपने आप में ये एक राजयोग होता है। अब देखिए कि इनका फलीभूत कब होगा, ये लाइफ लाइन है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मैं थोड़ा कलर बदल दूँ, ये देखिए ये है आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई सूर्य रेखा। सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में रेखा और रेखा भी शुभ अवस्था में। अगर ऐसे व्यक्ति किसी के अंदर में रह के वर्क कर लें, मतलब किसी अंदर में रह के वर्क करते रह जाएंगे तो ऐसे जातक जीवन में सफल नहीं होंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से वर्क करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में ऐसे जातक का जो है राजयोग फलीभूत हो जाता है। तो ये है आपका पांचवें प्रकार का राजयोग। आइए हम नेक्स्ट और अंतिम राजयोग का बात कर लें। नेक्स्ट जो हमारी भाग्य राजयोग है,